दोस्तों, हमने अपने चैनल पे जुंजी तो मैनियाक के 6 एपिसोड्स को कवर कर लिया है और आज के वीडियो में हम आगे के 3 और एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे। इस सीरीज में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं, यानी इसके बाद सिर्फ इस पे एक और वीडियो आएगी अनटिल सीजन 2 नहीं आ जाती। अब ये कहानी आपस में कनेक्टेड नहीं है तो आप बिना कोई पिछली वीडियो देखे इसे आराम से समझ सकते हैं। वैसे अगर आप मेरी पुरानी 2 वीडियोस देखने का मन बना लिए हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले मैं यूजुअल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम 2 मिलियन के काफी करीब है, तो प्लीज पूरा करवा दो। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम एक भाई बहन को देखते हैं जिनका नाम है सुयोशी और कायोरो। ये दोनों छुट्टियां मनाने कायोरो की सहेली इजुमी के घर जा रहे हैं, जो पास ही के शेल्टर में रहती है। दोनों हंसी मजाक करते हुए बढ़ते हैं, लेकिन मैप में रास्ता देखते हुए उनका ध्यान भटक जाता है और एक लड़की उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। अब पहले तो सुयोशी उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन कायोरो बताती है कि ये लड़की मर चुकी है। ऐसे में सुयोशी तय करता है कि वो उसे किसी सुनसान रास्ते में दफना देंगे। तो आगे बढ़ते हुए अचानक उनकी गाड़ी एक टूम्बस्टोन से टकरा जाती है और सुयोशी और कायोरो समझ ही नहीं पाते कि बीच रास्ते में ये टूम्बस्टोन कहां से आ गया। वो गाड़ी घुमाना चाहते हैं, लेकिन वहां रास्ते भर में कई सारे टूम्बस्टोन्स थे। जब वो बाहर निकलते हैं तब उन्हें लोकल्स बताते हैं कि इस शहर में हर जगह टूम्बस्टोन्स मिलेंगे, क्योंकि यहां लोग जहां मरते हैं वहीं उनका कब्र बनाया जाता है। अब पहले तो ऐसा बस उन लोगों के साथ ही होता था जो कार एक्सीडेंट में मरते थे, लेकिन अब ये इस शहर के सभी लोगों के मरने के बाद का नियम है। तभी सामने से इजुमी आती है और वो सुयोशी और कायोरो को लेकर अपने घर आती है, जबकि उस लड़की की लाश जो कि उनके कार से टकरा गई थी वो अब भी डिक्की में ही पड़ी रहती है। एनीवेज, इजुमी के घर का कपबोर्ड में भी एक टूम्बस्टोन होता है और वो बताती है कि इस घर में पहले रहने वाले आदमी यही मर गया था, अतः उसका टूम्बस्टोन यही है। सुयोशी और कायोरो पहले ही परेशान थे और ये सब उन्हें बहुत अजीब लगता है। इजुमी उन्हें बाहर शहर दिखाने ले जाती है और हम देखते हैं कि कुछ हॉस्पिटल वाले एक आदमी की लाश को बाहर जमीन पर रखने आए हैं। इजुमी बताती है कि हॉस्पिटल के अंदर टूम्बस्टोन अजीब लगता है, इसलिए उसे बाहर लाया गया है। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब हम जान पाते हैं कि जिस लड़की को सुयोशी के गाड़ी से टक्कर लगी है वो और कोई नहीं बल्कि इजुमी की छोटी बहन ही है। इजुमी और उसके माता पिता उसके घर वापस ना लौटने से परेशान होते हैं और पुलिस लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो बेचारी तो सुयोशी और कायोरो के गाड़ी में पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रेडिशन के बारे में और पता चलता है, जहां हम जान पाते हैं कि इस शहर में इंसान का शरीर मरने के बाद खुद ही पत्थर बनकर टूम्बस्टोन में बदल जाता है। इसीलिए एक बार यदि कोई इंसान मारा गया तो उसके शरीर को हाथ भी नहीं लगाया जाता, वरना पत्थर बनने का प्रोसेस खराब हो जाता है। अब शहर में एक गहरा कुआं भी है जहां ऐसे लोग की लाश को फेंका जाता है जो पत्थर नहीं बन पाते। यहां इजुमी बहुत दुखी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अगर उसकी बहन की मौत हो गई है तो उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ हो, वरना वो कभी टूम्बस्टोन नहीं बन पाएगी। सुयोशी और कायोरो उसे संभालते हैं। तो आगे इजुमी सुयोशी की गाड़ी में खून के धब्बे देख लेती है और बताती है कि पुलिस को भी शहर आने वाली सड़क पे एक जगह गाड़ी के टायर्स और खून के निशान मिले हैं, इसीलिए अब इन्वेस्टिगेशन जोरों शोर पे है। इस पॉइंट पे इजुमी को इन दोनों पे शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सुयोशी और कायोरो डर जाते हैं और बहाना बनाकर उसी रात निकल जाते हैं। कायोरो अपना गुनाह कबूल करना चाहती थी, लेकिन सुयोशी तय करता है कि वो लोग लाश को उसी गहरे कुएं में फेंक देंगे। ऐसे में सुयोशी और कायोरो रास्ते में रुक कर लाश को बाहर निकालने जाते हैं और देखते हैं कि वो लाश आधा पत्थर और आधा इंसान में बदल गया था, मानो कोई शैतान हो। वो दोनों किसी तरह उस लाश को कुएं में फेंक देते हैं। तभी सुयोशी देखता है कि लाश से उसके हाथ कट गए हैं। उसे अपने पीछे उस लड़की की चीख सुनाई देती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे दिखता है एक भयानक दृश्य। एक्चुअली में कुएं से ये लड़की की मॉन्स्टर जैसी बाहर निकल रही थी और इजुमी का नाम लेकर सुयोशी की तरफ इशारा कर रही थी, सेइंग कि इसी ने मुझे मारा है। सुयोशी बहुत डर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे होश आता है और वो देखता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम था। तो इसके बाद सुयोशी और कायोरो वापस घर जाते हैं। वहीं इजुमी को इस कुएं के पास अपनी बहन का ब्रेसलेट मिलता है, जिससे वो सब समझ जाती है। हम देखते हैं कि इजुमी और उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके बाद उन तीनों के टूम्बस्टोन एक ही जगह बन गए हैं। वहीं सुयोशी का कटा हाथ पत्थर का बनने लगा है और हम उस लड़की की आत्मा को उसके ऊपर बैठा देखते हैं, सिग्निफाइंग कि उसे सजा मिल गई है। वहीं कायोरो हमें गिल्ट और पश्चाताप में डूबी हुई दिखाई देती है। इसी पॉइंट पे ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी टूम्बस्टोन की पूरी कहानी, जहां हम देखते हैं कि अगर कोई बुरे कर्म करेगा तो उसे हर हाल में सजा मिल के रहेगी। सुयोशी के साथ भी ऐसा ही हुआ और अंत में वो भी पत्थर का बन गया, लेकिन इस सब में इजुमी के परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई।
एक्चुअल एनिमे की कहानी यहाँ से थोड़ी सी अलग है। वहाँ सुयोशो की तबीयत वापस जाने के बाद बहुत खराब होने लगती है और एक इन्फेक्शन के कारण उसकी जान चली जाती है। यही नहीं, उसके फ्यूनरल पे उसका शरीर एक अजीब मैटर में फट जाता है और लोग उसे देख भी नहीं पाते। वहीं इज़ुमी कराओ को एक चिट्ठी भेजती है जिसमें वो बताती है कि उसकी बहन की मौत के बाद उनका परिवार बर्बाद हो गया है और उसके पिता डिप्रेशन में चले गए हैं। कराओ अपने गुनाह कबूल करने जाती है लेकिन पाती है कि इज़ुमी के परिवार ने पहले ही खुद को मार लिया है। कराओ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे में चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एनिमे की कहानी मांगा से थोड़ी सी अलग है। एनीवेज, यहाँ से हम बढ़ते हैं 8वें एपिसोड की तरफ, जहाँ हमें सबसे पहले 1996 का सीन दिखाया जाता है। एक एक्सकेविटिंग साइट पे प्रोफेसर सोया और यामाओका को एक अजीब चीज मिलती है। ये एक बच्चे का स्कल था जिसे कई लेयर्स बिठाकर मम्मी की तरह दफनाया गया था। प्रोफेसर बताते हैं कि ये शायद एक रिचुअल के तहत किया गया होगा, जहां इस बच्चे को मारने के बाद रेस्ट के लिए दफनाया गया। तभी वहां तेज बारिश होने लगती है और सभी लोग शेल्टर के लिए भागते हैं, लेकिन सोया वहीं बैठा रहता है और उस स्कल को हाथ में लिए रहता है। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। हम प्रोफेसर सोया के परिवार से मिलते हैं जो उनके 13th मेमोरियल सर्विस से लौट रहा है। कार में प्रोफेसर की वाइफ और उनकी दो बेटियां हैं जिनके नाम रिमी और निरुमी है। हमें क्लियर समझ में आता है कि रिमी को उसकी माँ ज्यादा तवज्जो देती थी और बचपन से ही निरुमी को उतना अटेंशन नहीं मिला है। निरुमी और उसकी माँ की इस बात पे बहस हो जाती थी और निरुमी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में रिमी का चेहरा बहुत जख्मी हो गया था और वो लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर निरुमी और उसकी माँ को एक शॉकिंग बात बताते हैं। दरअसल रिमी का चेहरा खराब नहीं हुआ था क्योंकि उसके चेहरे के अंदर एक दूसरे चेहरे की लेयर थी। इनफैक्ट रिमी जो अभी 20 साल की थी, उसके चेहरे के टोटल 20 लेयर्स बने हुए हैं जो साल दर साल बदलते रहे। तो इसका मतलब ये है कि रिमी कोई जीती जागती मम्मी जैसी थी और उसके कोई इंटरनल ऑर्गन वगैरह थे ही नहीं। निरुमी और उसकी माँ इस बात पे शॉक रह जाते हैं और निरुमी अपनी माँ से कहती है कि ये सब उस शाप की वजह से हुआ है जो उन्हें तब लगा था जब उनके पिता वो बच्चे की स्कल उठाकर घर ले आए थे। निरुमी अपनी माँ को याद दिलाती है कि कैसे सोया एक दिन उस स्कल को घर ले आए जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी। कुछ साल बाद उनकी जान चली गई और उस शाप की वजह से रिमी का शरीर भी उसी बच्चे की मम्मी जैसा हो गया। निरुमी यहाँ अपना मुंह खोलती और अपनी माँ को दिखाती है कि इवन उसका शरीर भी लेयर्स का ही बना हुआ है, विच मींस कि वो भी शापित है। खैर, घर पर रिमी की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और निरुमी सजेस्ट करती है कि उन्हें उस बच्चे के स्कल को लैब से मंगा कर उसका मेमोरियल सर्विस करना चाहिए, शायद उससे सब कुछ ठीक हो सके। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है, सेइंग कि वो अपनी बेटी को खुद ही ठीक कर लेगी। ऑब्वियसली ये बात सुनकर बेटी गुस्सा हो जाती है और सारा दोष अपनी माँ पे डालने लगती है, सेइंग कि उसी की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और उसे ये सब देखना पड़ रहा है। रिमी की माँ इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है। तो आगे हम आधी रात का सीन देखते हैं जहाँ रिमी की माँ डॉक्टर की बात याद करके रिमी के अंदर दबे उसके 2 साल वाले रूप से बात करती है। वो उसे बाहर बुलाती है सेइंग कि वही उसकी सच्ची बेटी थी जो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती थी। सरप्राइजिंगली रिमी के अंदर से सचमुच एक छोटी बच्ची की आवाज आती है। रिमी की माँ उसे बाहर निकालने के लिए रिमी का चेहरा उतारने लगती है जिससे रिमी की नींद खुलती और वो जोर जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनकर निरुमी भी यहाँ आ जाती है और देखती है कि उसकी माँ ने उसकी बहन का चेहरा नोच डाला है। निरुमी अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। फाइनली रिमी का 2 साल वाला रूप बाहर आ जाता है और अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन उसकी माँ रिमी के शरीर को भी बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए वो निरुमी पर जोर डालती है कि वो रिमी के शरीर के स्किन निकालने में उनकी मदद करे। निरुमी और उसकी माँ ऐसा ही करते हैं लेकिन उन्हें रिमी के शरीर का कोई लेयर नहीं मिलता, इंस्टेड उसकी हड्डियां बाहर आ जाती है। रिमी की माँ ये देखकर पागल हो जाती है और छोटी रिमी को वापस जन्म देने का ख्याल पाल लेती है। वो अपने स्किन के लेयर्स निकालने लगती है ताकि वापस से रिमी को जन्म दे सके। अंत में हम निरुमी को देखते हैं जो अब रिमी के उजड़े शरीर और अपनी माँ का ख्याल रख रही है। यहीं पे कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये कहानी सीधी सी है, जहां 1996 में रिमी के पिता एक स्कल को घर ले आते हैं। इस स्कल के कारण उनके परिवार पे शाप पड़ जाता है जिससे रिमी और निरुमी का शरीर भी उसी मम्मी की तरह बन जाता है जैसे उस बच्चे का शरीर था, यानी लेयर्स में। अंत में रिमी की माँ अपनी बेटी के अपने खिलाफ जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी खाल ही निकाल लेती है, लेकिन इसके बदले रिमी का शरीर उजड़ जाता है और उसकी माँ भी पागल हो जाती है। वहीं निरुमी को अपने माँ के कर्म की सजा मिलती है और उनका और अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ता है। अब एक्चुअल मांगा में हमें निरुमी के बारे में और पता चलता है, जहां उसे लगता है कि ये सब उस कर्ज की वजह से ही हो रहा है। वो यूनिवर्सिटी से स्कल मंगाने भी जाती है ताकि फ्यूनरल करवा सके, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता सोया की मौत के बाद वो स्कल भी गायब हो गया। उसे उम्मीद है कि उसकी बहन का स्किन फिर आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता और उसे अंततः अपने माँ और बहन को उसी हाल में देखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि एंडिंग काइंड ऑफ सेम है, लेकिन हाँ बीच में थोड़ी सी चेंजेस
ये जरूर की गई थी। खैर, एपिसोड का दूसरा हिस्सा है द थिंग दैट ड्रिफ्टेड अशोर। यहाँ हमें एक बैकग्राउंड नरेशन सुनाई देता है जहाँ एक आदमी कह रहा है कि उसने बचपन से ही समंदर के सपने देखे हैं। उसे समंदर के अंदर एक ऐसी बड़ी मछली दिखाई देती है जो सदियों से जिंदा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जब एक समंदर के तट पे एक बहुत पुरानी बड़ी मछली आ गई है। ये मछली कई सौ साल पुरानी थी और डीप ओशन में रहा करती थी। साइंटिस्ट वगैरह इसके शरीर पे ल्यूमिनेसेंट सोर्स देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये मछली गहरे समंदर में इसी रोशनी के सहारे तैरती होगी। अब यहाँ पे कहानी का नैरेटर भी मौजूद है जो एक औरत की मदद करता है जिसकी तबीयत इसी मछली को देखकर खराब होने लगी थी। वो औरत और नैरेटर बात करने लगते हैं जहाँ ये औरत बताती है कि 7 साल पहले उसने एक बोट एक्सीडेंट में अपने फियांसे को खो दिया था। उस बोट पे सवार सभी लोग डूब गए थे। दूसरी तरफ साइंटिस्ट वगैरह मछली के शरीर पे ट्रांसपेरेंट धब्बे देखते हैं जिसे नजदीक से जांच करने पे पता चलता है कि ये इसी मछली के अंतरे हैं। यही नहीं, इसके अंदर कई सारे इंसान दिखाई देते हैं और साइंटिस्ट वगैरह अनुमान लगाते हैं कि ये इंसानों को मछली ने खाया होगा लेकिन कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाई। साइंटिस्ट वगैरह इसके पेट काट डालते हैं और सारे इंसान उस मछली से बाहर आने लगते हैं। अब वहां खड़ी भीड़ के होश का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखते हैं कि ये सभी इंसान जिंदा है। जी हाँ, उनके नाखून निकल गए हैं और वो जानवरों की तरह भीड़ पर झपटने लगते हैं। अब वो औरत इन ह्यूमंस में अपने फियांसे को पहचान लेती है और उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन ये आदमी भी उस पर झपटने लगता है। नैरेटर उसे बचाता है और साइंटिस्ट वगैरह समझ जाते हैं कि ये सभी वही ह्यूमंस हैं जो 7 साल पहले वाले एक्सीडेंट में डूब गए थे। नैरेटर भीड़ को बताता है कि 7 साल तक मछली के अंदर रहने के कारण ये अब इंसान नहीं रहे बल्कि पैरासाइट्स बन गए हैं। अंत में हम इन सभी ह्यूमंस को एक झुंड में आगे बढ़ते देखते हैं और साइंटिस्ट इस पर सर्च वगैरह करने की बात करते हैं। नैरेटर खुद भी इस समंदर में कूद जाता है ठीक वैसे ही जैसे उसने सपने में देखा था। वहीं समुंदर के अंदर हम ऐसे ही एक और मछली को तैरते देखते हैं। यहीं पे ये वाली कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी द थिंग दैट ड्रिफ्टेड अशोर की कहानी जहां हम एक डीप सी मैमल को देखते हैं जो सालों से जिंदा है। अब समहाउ उसके अंदर ह्यूमंस जिंदा थे जो कि मोस्टली उस पे हमला किए होंगे और अब वो ह्यूमंस जानवरों में तब्दील हो गए हैं। हम उसे ज़ॉम्बी कह सकते हैं या पैरासाइट, जैसा आप कहना चाहो। अब देखा जाए तो ये दोनों कहानी इस ओर इशारा करती है कि एज ह्यूमंस हमें हमारे इतिहास और दुनिया के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है। आप चाहे इतना भी रिसर्च और पढ़ाई कर लो, कुछ ना कुछ है जो हमारी समझ से बाहर रहेगा। इन दोनों ही कहानी में हमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिलती है जो इसे इंटरेस्टिंग भी बनाती है, साथ ही यहाँ कई थियरीज को जन्म भी देती है। इसी के साथ 8वां एपिसोड खत्म। अब 9वें एपिसोड में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां इजुमी नाम की स्टूडेंट है। इजुमी फोटो क्लब की मेंबर है और लड़कों की तस्वीर कैंपस में बेचती है जिससे वो काफी पैसे कमाती है। इसी दौरान वो स्कूल के एक पॉपुलर लड़के यामाजाकी की तस्वीर खींच रही होती है जब उसे टॉमी नाम की लड़की देख लेती है। यामाजाकी टॉमी के बारे में इजुमी से पूछता है और इजुमी बताती है कि टॉमी का हाल में ही ट्रांसफर हुआ है और वो स्कूल के डिसिप्लिनरी कमिटी में है। तो अगले दिन टॉमी इजुमी को स्टूडेंट्स की तस्वीर बेचते पकड़ लेती है और कहती है कि ये बात प्रिंसिपल को अच्छी नहीं लगेगी। वो इजुमी को पकड़वाने की धमकी देती है और उसकी सारी तस्वीरें ले लेती है। अब इजुमी इस बात से बहुत गुस्सा है और उसकी सहेलियां उसे सलाह देती है कि वो टॉमी से बचकर रहे क्योंकि वो पहले भी एक स्टूडेंट को सस्पेंड करवा चुकी है। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में लंच के दौरान यामाजाकी इजुमी से मिलने आता है और उसे टॉमी की तस्वीर खींचने है। इजुमी छुप कर ऐसा करने की कोशिश करती है लेकिन टॉमी उसे देख लेती है। वो इजुमी को बाहर आने कहती है और खुद ही पोज करने लगती है। टॉमी इजुमी से पूछती है कि उसकी तस्वीरें कितने में बिकेगी, जिस पे इजुमी कहती है कि टॉमी बहुत खूबसूरत है और उसकी तस्वीरें काफी महंगी बिकेंगी। इसी दौरान प्रिंसिपल आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब टॉमी का प्लान था इजुमी को पकड़वाने के लिए। ऐसे में प्रिंसिपल इजुमी को फोटोग्राफी क्लब से निकाल देते हैं और सस्पेंड भी कर देते हैं। नाउ घर पे इजुमी टॉमी की तस्वीरें निकालती है जो देखकर वो शॉक रह जाती है। टॉमी किसी मॉन्स्टर जैसी लग रही थी और उसके चेहरे से कई और चेहरे बाहर निकल रहे थे। इजुमी इन तस्वीरों को स्कूल में बांट देती है जिसे टॉमी की बहुत बेइज्जती होती है और वो अपने 2 आदमियों को इजुमी को मारने भेजती है। यहाँ यामाजुकी भी इजुमी की जान लेने की कोशिश करता है सेइंग कि वो टॉमी के लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन इजुमी किसी तरह भाग निकलती है। तो इसके बाद घर पे इजुमी से मिलने टॉमी आती है और अपने साथ अपने असिस्टेंट्स को भी लाती है। वो इजुमी से माफी मांगती है और कहती है कि उसने इजुमी को मारने के लिए किसी को नहीं भेजा था। वो इजुमी के दीवार पे लगी तस्वीरों की तारीफ करती और उसे खाना भी ऑफर करती है। टॉमी इसके बाद इजुमी को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है लेकिन इजुमी उसे उल्टा सीधा सुना देती है। इससे टॉमी की हालत खराब होने लगती है और उसके पीछे से एक मॉन्स्ट्रस चेहरा निकलने लगता है। टॉमी अपने असिस्टेंट्स को अंदर बुलाती है और उस चेहरे को उससे अलग करने कहती है। इसी बीच इजुमी भागने की कोशिश करती है लेकिन ये लोग उसे वहीं बांध देते हैं। अब ये दोनों असिस्टेंट्स टॉमी का चेहरा काटने लगते हैं जिससे उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी टॉमी का सर अपने असिस्टेंट्स को उसे बचाने के लिए चिल्लाती है और ये दोनों उसके सर को उठाकर बाहर जाते हैं।
वहीं टॉमी का बाकी शरीर अपने आप खड़ा होता है, जिसमें हम एक मॉन्स्ट्रस शक्ल देख पाते हैं। इसके बाद टॉमी उठकर बाहर चली जाती है और सारे घटना के बाद इज़ुमी अपना कमरा साफ करने का फैसला लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता इतना खून खड़ा हुआ यहाँ देखे। इसी पॉइंट पे कहानी खत्म हो जाती है। आई नो इस सीरीज की सारी कहानी बहुत ही एब्रप्ट एंडिंग के साथ है, लेकिन हाँ इसकी मीनिंग हमेशा होती है। अब दोस्तों यहाँ देखा जाए तो टॉमी के फोटो की जो ये कहानी है वो एक बड़ी कहानी का छोटा हिस्सा है। असल में जुंजी ऊतो के यूनिवर्स में हम टॉमी नाम की लड़की की कई कहानियों के बारे में जान पाते हैं, लेकिन ये एनीमे उस मांगा का एक हिस्सा है जहाँ टॉमी इज़ुमी को बुली करने की कोशिश करती है। बात करें उसके मॉन्स्ट्रस फेस की तो हो सकता है ये एक मेटाफर है उसके अंदर के रियल नेचर का। आई मीन टॉमी हमेशा बच्चों को सस्पेंड तो करवा ही रही थी, तो इसे आप पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, नेगेटिव वे में भी। जो भी हो ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी, और बाकी की जो 3 एपिसोड्स बची है जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे उसमें और भी कई इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर आप इस वीडियो पे मिनिमम 20K लाइक्स दें। मैं हमेशा 20K ही बोलता हूं इन एपिसोड्स पे क्योंकि कई लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन अगर लाइक्स इतने आ जाते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ इंटरेस्टेड लोग हैं, तभी मैं अगली पार्ट बनाता हूं। एनीवेज आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि अगले एपिसोड को मिस नहीं करना है ना। साथ ही हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।